मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लाखों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। शास्त्रों में इस दिन मौन रहकर स्नान दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और पूजा अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा फल देने वाला होता है और ग्रह दोषों के प्रभाव को खत्म कर देता है। खास तौर से इस दिन प्रयागराज में माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान होता है। यही वजह है कि शुक्रवार की सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मान्यता है कि इस दिन देवता और पितृ अदृश्य रूप से आकर नदी में स्नान करते हैं और उनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। ऐसी नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से कई त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। स्नान के अलावा इस दिन किए गए कुछ उपाय भी रातों रात जिंदगी बदल देते हैं। अमावस्या के दिन पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंड दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। ज्योतिष की माने तो जल में तिल मिलाकर किसी पवित्र नदी के तट पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को चढ़ाएं और पिंडदान करें। ये उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और वंश में बढ़ोतरी होगी। ज्योतिष शास्त्र में मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने के विधान के बारे में बताया गया है। इस दिन सामर्थ्य अनुसार चावल, कंबल, तिल, मिठाई, आटा, चीनी, दूध आदि का दान कर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन पशु पक्षी को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या पर आप कुत्ता, कौवा, चींटी, गाय आदि को भोजन कराएं। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न रहेंगे। इस दिन तिल का तेल, तिल के लड्डू, तिल, आंवला, कपड़े दान करने से कुंडली से पितृ दोष खत्म हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष या सूर्य दोष है तो एक लोटा जल में लाल फूल और तिल डालकर पितरों को याद करते हुए उसे सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य के साथ पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण, दान और श्राद्ध के साथ दीप जलाने का भी बहुत महत्व है, लेकिन इन दीपों के जलाने के कुछ खास नियम होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या की शाम पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी कृपा बरसाकर वापस पितृलोक लौट जाते हैं। पितरों के रास्ते में अंधेरा ना हो इसलिए मौनी अमावस्या पर दीपक जलाए जाने का विधान है। मौनी अमावस्या पर सूर्यास्त 6:06 पर होगा। इस समय सर्दी का मौसम है और अंधेरा जल्दी होने लगता है। ऐसे में पितरों के लिए दीप अंधेरा होने से पहले जला देना सही रहेगा। ये दिया किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या घर की दक्षिण दिशा में जला सकते हैं। इस दिए में सरसों का तेल और रुई की बाती का होना अनिवार्य होता है। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करके उस दीप को जलाएं। पूर्वज प्रसन्न होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।